السلام عليكم. तो क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों? खैरियत से हैं आप? गुड। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक वायर है, उसमें से करंट गुजरता है तो वो मैग्नेट बन जाता है। अब अगर वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है, तो वो फोर्स कितनी होती है उसके लिए हमने इक्वेशन बनाई थी। एंड दैट इक्वेशन वॉज, अगर आपको याद हो, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। आई मीन्स करंट, एल मीन्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी। लेंथ ऑफ द कंडक्टर और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का दरमियानी एंगल। तो यहां से एक बात पता चलती है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का जो दरमियानी एंगल है, दैट विल ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स मैक्सिमम कब होगी? जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड के वायर परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो एल और बी का एंगल 90 हो जाएगा एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। और अगर ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है, इफ इट इज प्लेस पैरेलल टू द फील्ड, तो L और B का लेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री एंड साइन 0 विल बी इक्वल टू 0। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर आई एल बी साइन थीटा, थीटा पे भी डिपेंड करती है कि वो वायर मैग्नेटिक फील्ड में किस डायरेक्शन में रखा हुआ है। इफ द वायर इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, द फोर्स इज मैक्सिमम। If the wire is parallel to the field, the force will be zero. Force will be zero because sine zero is equal to zero. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें दो टर्म्स थोड़ी सी नई लग रही है, एक टॉर्क और एक कॉइल। तो अभी इन दोनों की बात करते हैं। टॉर्क से क्या मुराद है? कौन मुझे बताएगा, व्हाट डज टॉर्क मीन? टॉर्क का नाम सुना है कभी आपने? टॉर्क को और क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स। So torque is defined as the turning effect of force. जब फोर्स एग्जर्ट हो रही हो और ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा हो तो उस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट क्या है, दैट इज डिफाइंड बाय टॉर्क। सो टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क इज डिफाइंड एज, ये टॉर्क का सिंबल है एंड टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। एक तो फोर्स है ऑब्वियसली बिकॉज इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और दूसरा है डिस्टेंस आर। एंड व्हाट दिस डिस्टेंस इज, दिस इज कॉल्ड मोमेंट आर्म, दिस इज कॉल्ड टॉर्क आर्म, टॉर्क का हाथ, मोमेंट आर्म। तो टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। सो इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स,
One is force, the other is moment arm, torque arm, moment arm. Now, what is moment arm? Who will define? याद है कुछ? मोमेंट आर्म क्या होता है? कुछ नहीं याद? हम वहां हैं जहां से हमको सर जहां पर जहां से बॉडी जो भी होती है वो रोटेट हो रही होती है, वहां से लेकर वहां तक का डिस्टेंस जहां पर एक्चुअल हम फोर्स लगा रहे होते हैं उसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं. थोड़ा सा रह गया, कौन पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इट हैज टू बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स जो आपने बताया. गुड जी, तो मोमेंट आर्म याद कीजिए, थोड़ा सा याद दिले अपने आप को, जगाइए. जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जाता है, तो याद रखिए दो चीजें जरूरी होती हैं. एक, उस पर फोर्स लग रही होती है तभी वो रोटेट करता है, और जब फोर्स होगी तो एक चीज होती है उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. वो फोर्स जिस डायरेक्शन में, जिस लाइन के अलॉन्ग लग रही है उस ऑब्जेक्ट पे, उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. तो दो चीजें जरूरी होंगी जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, एक कहलाती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और दूसरे एक्सिस ऑफ रोटेशन. वो ऑब्जेक्ट किसी लाइन के गिर्द घूम रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो जब भी टॉर्क पढ़ाते हैं, अब ये आपका मैट्रिक का फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, बट हम सेकेंड ईयर में इसे यूज करेंगे, तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को रिव्यू करना चाह रहे हैं ताकि तमाम स्टूडेंट एक ही लेवल पर आ जाएं. अगर किसी का कॉन्सेप्ट कमजोर है या वो भूल गया है तो उसे याद आ जाए ताकि सेकेंड ईयर का टॉपिक समझने में प्रॉब्लम ना हो. तो टॉर्क इज डिफाइंड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का वो हिस्सा जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करता है. टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म. मोमेंट आर्म इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस. What distance? उसके लिए पहले दो टर्म्स समझना जरूरी है. जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उस पर फोर्स लगती है. वो फोर्स जिस जगह लग रही है वहां एक लाइन खींची है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. और वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो वो किसी पॉइंट के, किसी लाइन के, किसी एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो एक हुआ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन. इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस लीजिए. डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान नहीं लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिए. इनके दरमियान परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए. तो जब इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट आर्म. तो मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्स विल बी कॉल्ड टॉर्क, एंड टॉर्क इज अ डैश क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर. Torque is a scalar or vector? Yes, torque is a vector quantity. Torque is a vector quantity. That's right. Torque has a direction. It can be clockwise torque. It can be anti-clockwise torque. So torque is a vector quantity. Agree? Perfect. Torque is a vector quantity. ये बात याद रखनी चाहिए. तो मिसाल के तौर पर, for example, ये एक scale है. जिसका ये एक्सिस सेंटर है, जहां से ये रोटेट कर रहा है, इसके गिर्द घूम रहा है, तो ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन. यहां से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गया जिसके गिर्द घूम रहा है. तो मिसाल के तौर पर आप इसके ऊपर यहां फोर्स लगाते हैं डाउनवर्ड, यहां फोर्स लगाते हैं अपवर्ड, तो इधर से ये नीचे जाएगा, इधर से ये ऊपर जाएगा, सही? तो ये रोटेट करेगा, दिस विल रोटेट. नाउ दिस इज द, दिस लाइन इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अच्छा, ये क्या कर रही है? ये फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स. ये क्या कर रही है? ये फोर्स है अपवर्ड फोर्स. तो दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. तो दो फोर्सेस लग रही हैं का मतलब दो टॉर्क लग रहे हैं. तो किसी एक फोर्स का टॉर्क निकालना है मिसाल के तौर पर, तो क्या करेंगे? तो अगर मुझे इस फोर्स का टॉर्क निकालना है तो मुझे इस फोर्स की का मैग्नीट्यूड चाहिए F, और मुझे इस फोर्स का मोमेंट आर्म चाहिए. नाउ हाउ विल आई कैलकुलेट द मोमेंट आर्म ऑफ दिस फोर्स? कैसे कैलकुलेट करूं? तो ये कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. तो इस फोर्स की डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कीजिए, दैट्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स.
दूसरा एक्सेस ऑफ रोटेशन, तो ये जो पॉइंट है जिसके के लिए रोटेट कर रहा है, ये लाइन आप स्ट्रेट ले जाइए, दैट्स कॉल्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये एंड टू द पेपर नहीं जाइए, दैट्स कॉल्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो यहां और यहां इन दोनों के दरमियान क्या चाहिए मुझे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो आई हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, सो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड क्या, मोमेंट आर्म। तो इस वक्त वो डिस्टेंस ये है, वॉट एवर इट इज, इस वक्त वो डिस्टेंस ये है। तो दिस डिस्टेंस इज एक्स एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सो दैट इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म को फोर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, यू गेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क। आगे बात समझ में, ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखिए, और इसको जहन में रखते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपकी हेडिंग है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लिख लीजिए, कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी consider a rectangular coil A B C D placed in a uniform magnetic field of strength B placed in a uniform magnetic field of strength B, capital B. समझ आ रहे? ये क्या है? नॉर्थ पोल, ये क्या है? साउथ पोल, किसका? मैग्नेट का। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग नहीं मिलता, इट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ अ मैग्नेट। तो ये कैसे बन गया? तो ये सिर्फ दिखाया ऐसे, एक्चुअली इट्स अ यू शेप मैग्नेट। ये यू शेप मैग्नेट के पोल्स हैं, तो हमें सिर्फ इतने हिस्से से मकसद है, इसका इतना हिस्सा दिखाया है। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो लाइंस ऑफ फोर्स यूज आ रही नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है, ये जो ब्लू कलर का बना हुआ है, ये इसकी चार कोने हैं ए बी सी और डी। तो कॉइल इज प्लेस्ड कहां, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल का नाम क्या है, ए बी सी डी। नेक्स्ट लाइन लिखिए, द प्लेन ऑफ द कॉइल The plane of the coil is parallel to the field. Plane of the coil is parallel to the field. तो ये coil जिस field में रखा हुआ है, इसका plane या इसका surface उस field के क्या है, parallel है। देख लीजिए, ये north pole है, ये south pole है, lines of course जुड़ जा रही हैं और coil ऐसे रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर ये coil है, अगर ये कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, ये दीवार है फर्श कीजिए यहां जो आपको अभी नजर नहीं आ रही, ये नॉर्थ पोल है और इस तरफ वाली दीवार साउथ पोल है और ये बीच में कॉइल रखा हुआ है, तो लाइंस ऑफ फोर्स यूं जा रही है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और उसमें ये कॉइल रखा हुआ है। तो प्लेन ऑफ द कॉइल इज व्हाट, प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? चलिए और बेहतर मिसाल देता हूं, ये लीजिए,
ये कॉइल है, ठीक है, आपके लिए आज ही बनवाया अभी थोड़ी देर पहले प्लम्बर से जाके, तो ये कॉइल है आपके लिए, ठीक है। तो ये कॉइल का प्लेन है, ये इसका सरफेस है, ये इसका प्लेन है। अब ये कहां रखा हुआ है, या मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। और लाइंस ऑफ फोर्स आर व्हाट, ये ऐसे रखा हुआ है, लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो लाइंस ऑफ फोर्स सारी क्या है, प्लेन ऑफ द कॉइल के पैरेलल है, प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड। कॉइल क्या होता है, कॉइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स कंडक्टर्स। जब एक पूरा क्लोज पाथ बन जाए तो दैट्स अ कॉइल। तो मिसाल के तौर पर इस रेक्टेंगुलर कॉइल को देखें, तो इसमें कम से कम कितने वायर है, इसके कितने टुकड़े कर सकते हैं, चार। एक्सेलेंट, ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये एक वायर है, तो आपने चार को मिलाया तो एक कॉइल बन गया पूरा। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो अब अगर आप देखिए तो इसमें से दो साइडेज की लेंथ है और दो साइडेज की ब्रेथ है, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो साइड ए बी लेंथ है या ब्रेथ, साइड ए बी इज द लेंथ, साइड बी सी ब्रेथ, साइड ए डी ब्रेथ और साइड सी डी लेंथ। तो ये दोनों साइडेंस की लेंथ है और ये दोनों साइडेंस की ब्रेथ है। समझ आ रही है, आपकी आसानी के लिए इसको हमने रेड में दिखाया हुआ है लेंथ वाली साइड को, और ब्रेथ वाली साइड को ग्रीन में दिखाया हुआ है, ठीक। लिखिए, इट्स लेंथ ए बी और सी डी, लाइन सेगमेंट दिखाएंगे दोनों, इट्स लेंथ ए बी और सी डी इज एल, स्मॉल एल ले लीजिए, लेंथ लंबाई की बात हो रही है, तो कॉइल की लंबाई एल है। तो एक साइड है ए बी, वो भी एल है, दूसरी साइड सी डी, वो भी लेंथ एल है। इट्स ब्रेथ चौड़ाई बी सी और ए डी इज बी, स्मॉल बी ले लीजिए, इट्स ब्रेथ बी सी और ए डी इज बी, ठीक है। तो इसकी लंबाई वाली साइड है ऑन की लेंथ, इसकी चौड़ाई वाली साइड है ऑन की ब्रेथ, लेबल कर दिया हमने। डायग्राम में भी समझ लीजिए, ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, साइड ए बी या साइड सी डी इसकी लेंथ है, साइड बी सी या साइड ए डी इसकी ब्रेथ है, एग्री। तो आपने लिखा इट्स लेंथ ए बी और सी डी इज एल, इट्स ब्रेथ बी सी और ए डी इज बी। द कॉइल इज फ्री टू रोटेट, द कॉइल इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, द कॉइल इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस एक्स एक्स डैश, x x dash, the coil is free to rotate about its axis x x dash। क्या मतलब हुआ, यानी ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है ये रोटेट कर सकता है, इट कैन रोटेट, ठीक है। और ये जो रोटेट कर रहा है, तो ये जिस लाइन के अलोंग रोटेट कर रहा है, इसका नाम है एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो द कॉइल इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस
क्या, जिसका नाम हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन। आया ख्याल शरीफ में? ठीक, नेक्स्ट लाइन लिखिए, अ करंट आई इज पास्ड इन द कॉइल, अ करंट आई इज पास्ड इन द कॉइल, कैपिटल आई, अ करंट आई इज पास्ड इन द कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अ करंट आई इज पास्ड इन द कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगेन क्या मतलब हुआ? सूरत हाल कुछ यूं है जनाब, ये है कॉइल, ठीक है, रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, ये मार्कर दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। इसमें से क्लॉकवाइज करंट गुजारा गया, क्लॉकवाइज करंट क्या हुआ, जैसे घड़ी चलती है, यानी कि इसमें दो ही ऑप्शन है ना, क्लोज पाथ है, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज करंट गुजारा। क्लॉकवाइज का मतलब ए टू बी या बी टू ए, ए टू बी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, दैट्स क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो फिर बनता बी टू ए, तो क्लॉकवाइज करंट गुजारा गया टू ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस कॉइल से क्लॉकवाइज करंट गुजरा, अब जब इससे क्लॉकवाइज करंट गुजरेगा तो एवरी करंट कैरिंग वायर इज अ मैग्नेट, ये कॉइल पूरा का पूरा मैग्नेट बन जाएगा, इसकी हर साइड मैग्नेट बन जाएगी, एंड इट इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी, और उस फोर्स की इक्वेशन हमारे पास मौजूद है हर वायर के लिए, दैट इज आई एल बी साइन थीटा। तो हम इस पूरे कॉइल की फोर्स बाद में निकालेंगे, पहले हम हर साइड की फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक। तो इस साइड के लिए, ये आपके सामने जो साइड है एडी, एडी नजर आ रही ना आपको, ये पॉइंट, ये जो व्हाइट दिखा रहे ना पॉइंट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए बना है आपके लिए आसानी समझने के लिए, तो ये साइड एडी नजर आ रही है आपको, इसमें करंट इसके पैरेलल जा रहा है, ठीक। तो कैन यू टेल मी दैट थीटा फॉर दिस साइड, इस साइड के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, ये वायर है, करंट यू जा रहा है, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसके ब्रेथ वाली साइड के पैरेलल है, तो यस, सो थीटा फॉर दिस साइड इज जीरो, एंड साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, सो द फोर्स ऑन दिस साइड विल बी, मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस साइड विल बी जीरो। इसी तरह ये वाली साइड भी सोचिए, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो क्योंकि ये लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है हॉरिजॉन्टली और ये साइड भी हॉरिजॉन्टल है, तो लाइंस ऑफ फोर्स और ब्रेथ एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल, तो क्योंकि ये पैरेलल है लिहाजा अगेन थीटा कितना हो गया, जीरो, लिहाजा फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ब्रेथ वाली साइड्स पर करंट गुजरने के दौरान भी लगने वाली फोर्स होगी जीरो, व्हाई, बिकॉज द ब्रेथ वाली साइड्स आर पैरेलल टू द फील्ड, सो सिंस दे आर पैरेलल टू द फील्ड, सो द मैग्नेटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आई एल बी साइन थीटा विल बी जीरो। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए, द फोर्स ऑन साइड ए बी और सी डी, ये चौड़ाई ब्रेथ वाली साइड है, ये ब्रेथ वाली साइड्स है, नहीं, ब्रेथ वाली साइड्स का बताना है, द फोर्स ऑन साइड ए डी और बी सी, द फोर्स ऑन साइड ए डी और बी सी विल बी जीरो, द फोर्स ऑन साइड ए बी, ए डी और बी सी विल बी जीरो।
ठीक, तो ये कॉइल हमारा फोर साइड्स पे मुश्तमिल है, कॉइल से गुजरा करंट, द कॉइल इज फ्री टू रोटेट, इस करंट की वजह से इसकी हर साइड पे लगनी चाहिए फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जब हम निकाल रहे हैं तो हमें पता लगा कि ब्रेथ वाली साइड्स क्योंकि लाइंस ऑफ फील्ड फोर्स के या फील्ड के पैरेलल हैं, लिहाजा इन पर लगने वाली फोर्स हो जाएगी जीरो। अब रह गई दो साइड्स, साइड ए बी एंड साइड सी डी। तो क्या लग रहा है आपको, ये वाली साइडें ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है, तो ये वाली साइडें मैग्नेटिक फील्ड के क्या हैं? ये वाली साइडें मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर, वन या टू? यस, तो ये वाली साइडें दोनों लंबाई वाली साइडें जो हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। तो लंबाई वाली साइडें मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, लिहाजा इनके लिए थीटा होगा 90 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो अगर आप साइड ए बी पे लगने वाली फोर्स निकालें, अगर आप ये जानना चाहें कि भाई साइड ए बी पे कितनी फोर्स लग रही है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन साइड ए बी, तो वो कितनी होगी, आई एल बी साइन थीटा, साइन थीटा कितना होगा, साइन 90, और आई एल बी में आई की जगह क्या आएगा, कितना करंट गुजर रहा है, आई, तो आई एल बी में आई की जगह आएगा आई, और आई एल बी में लेंथ की जगह क्या आएगा, इसकी लंबाई कितनी है, इस साइड की लंबाई हमने लिखी थी, नाम दिया था उसको एल, तो लेंथ की जगह एल आएगा, और बी की जगह क्या आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, कैपिटल बी। तो फोर्स ऑन साइड ए बी इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90 इज इक्वल टू क्या, साइन 90 होता है 1, तो इज इक्वल टू आई एल बी। यस, अब निकालिए फोर्स ऑन साइड सी डी। तो जब साइड सी डी दूसरी वाली लंबाई के लिए देखेंगे तो थीटा तो 90 है, साइन 90 हो गया 1, लेकिन क्या उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सेम है या डिफरेंट, दूसरी लेंथ के लिए सेम है, सेम फील्ड में, यस, लेंथ सेम है या डिफरेंट, अगेन सेम है, करंट सेम है या डिफरेंट, अगेन सेम है, तो करंट भी सेम है, लेंथ भी सेम है, बी भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो फोर्स भी उतनी होगी, तो उस पे भी लगने वाली फोर्स उतनी ही होगी, एफ ए बी विल बी इक्वल टू एफ सी डी, दोनों साइडों पे सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स लगेगी, विच इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90, विच इज इक्वल टू आई एल बी। ठीक, क्यों, क्योंकि दोनों के लिए एंगल हुआ 90, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है, लेंथ सेम है, करंट सेम है, तो फोर्स ऑन साइड ए बी एंड फोर्स ऑन साइड सी डी इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90, यानी कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ सी डी इज इक्वल टू आई एल बी। देखिए, द फोर्स ऑन साइड ए बी और सी डी फोर्स ऑन साइड ए बी और सी डी विल बी क्या, द फोर्स ऑन साइड ए बी और सी डी विल बी इक्वेशन एफ ए बी इज इक्वल टू एफ सी डी इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90। Therefore, FAB is equal to FCD is equal to ILB. तो जनाब क्विक रिव्यू कर लें, जरा रिकैप कर लें, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कॉइल है, वो कहां रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है,
और उस कॉइल की चार साइडें हैं, दो लेंथ वाली दो ब्रेथ वाली. द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड. द कॉइल इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस. ठीक. अब क्या हुआ, इस कॉइल से हमने करंट गुजारा. तो जब करंट गुजारा, क्लॉकवाइज करंट गुजारा, तो उस क्लॉकवाइज करंट की वजह से पता चला कि जो ब्रेथ वाली साइड्स हैं वो तो पैरेलल है फील्ड के, लिहाजा उनमें फोर्स लगेगी जीरो, और जो लेंथ वाली साइड्स हैं वो परपेंडिकुलर है फील्ड के, लिहाजा उनमें फोर्स लगेगी क्या, आई एल बी. अच्छा, ये इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आया है. अब मुझे जरा इनकी डायरेक्शन चाहिए इन फोर्सेस की. ये जो साइड है ए बी, ये साइड ए बी है ना, नजर आ रही, मुझे इस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन चाहिए. अगर मैं छह डायरेक्शंस डिफाइन करूं तो बी इस वक्त अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टली, और करंट ए टू बी जा रहा है एंड इन टू द पेपर. इस साइड में अगर आप इस वायर को सामने से देख रहे हैं कॉइल को, तो कॉइल का ये हिस्सा आपको नजर आएगा और ये ए के पीछे अंदर बी है. तो करंट इज गोइंग इन टू द पेपर. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट अलोंग द साइड ए बी. और बी की डायरेक्शन क्या है सामने उस साइड पे, ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. तो ये डायरेक्शन है बी की, और ये डायरेक्शन है इन टू द पेपर करंट की. तो अगर मैं राइट हैंड रूल बनाऊं तो मैं करंट के पैरेलल अपना राइट हैंड रखूंगा. दिस इज माय राइट हैंड, मैं करंट के पैरेलल रखूंगा राइट हैंड को, ठीक है, और मेरी हथेली जो है वो बी को फेस करेगी. तो बी इस तरफ नहीं है, उस तरफ है, तो मुझे हथेली टर्न करनी पड़ेगी. ठीक. तो जब मेरी हथेली बी को फेस करेगी तो ये इन टू द पेपर इज माई हाथ, इज माई फिंगर्स, दैट्स एल, बी इज दैट डायरेक्शन. तो फोर्स की डायरेक्शन बनेगी क्या, डाउनवर्ड. तो फोर्स ऑन साइड ए बी, आपको खुद को अपने पास भी प्रैक्टिस करनी होगी, फोर्स ऑन साइड ए बी इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स लाइक दिस. ठीक है. तो फोर्स ऑन साइड ए बी इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स. इसी तरह साइड सी डी पे फोर्स की डायरेक्शन निकालिए. साइड सी डी में करंट है आउटवर्ड, इधर था इनवर्ड, इन टू द पेपर, उधर है आउट ऑफ द पेपर, सी टू डी. तो अब हाथ मेरा यू नहीं होगा, इन टू द पेपर नहीं होगा, आउट ऑफ द पेपर होगा, और हथेली मेरी अगेन बी की तरफ. तो वी एल क्रॉस बी, फोर्स की डायरेक्शन बनेगी क्या, अपवर्ड. आया ख्याल शरीफ में. तो अगर आप देखिए तो ये जो आपका कॉइल है, ये जो कॉइल है, इस कॉइल में एक साइड ए बी है, इस पे फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, और एक साइड सी डी है, इस पे फोर्स लग रही है अपवर्ड. तो ये अपवर्ड फोर्स हो गई. ये नजर आ रही है, नहीं आ रही नजर, मेरे कपड़ों के ऊपर से नजर आएगी, ब्लू बैकग्राउंड में नजर आएगी. अब नजर आई दोनों फोर्सेस जी. तो ये अपवर्ड है, ठीक, और ये डाउनवर्ड है, और ये साइड ए बी है, और ये साइड सी डी है, और ये बी सी है, और ये ए डी है. ठीक. तो ये हमारा कॉइल हो गया, इस पे लग रही है डाउनवर्ड फोर्स, इस पे लग रही है अपवर्ड फोर्स, एंड द कॉइल इज फ्री टू रोटेट. ये कॉइल जो है ये घूमने के लिए, झूमने के लिए तैयार है. तो अगर इसको घूमने का मौका मिले, झूमने का मौका मिले, तो ये झूमना शुरू कर देगा. इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस एक्स एक्स डैश. आया ख्याल शरीफ में. तो इस फोर्स की वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा, और इस फोर्स की वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा. हमें ये दोनों टॉर्क्स कैलकुलेट करने हैं कि हाउ मच टॉर्क इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ दीज टू परपेंडिकुलर फोर्सेस. एक साइड पे फोर्स डाउनवर्ड है, दूसरी साइड पे फोर्स अपवर्ड है, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क बिकॉज
ऑफ दीज टू फोर्सेस. नई लाइन से लिखिए, द फोर्स ऑन साइड ए बी is directed downward the force on side AB is directed downward while the force on side CD is directed upward. While the force on side CD is directed upward, these forces equal in magnitude but opposite in direction, these forces equal in magnitude but opposite in direction produce a torque which rotate the coil. These forces equal in magnitude but opposite in direction produce a torque which rotate the coil. तो अब हमें इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है. किस टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है? जो साइड ए बी पर और साइड सी डी पर एक्ट कर रहा है, वो टॉर्क जो साइड ए बी पर और साइड सी डी पर एक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है. तो वो कैसे निकालेंगे? टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, डैश इंटू डैश, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म. तो देखिए, मुझे टॉर्क ए बी का, साइड ए बी पे लगने वाले टॉर्क का जो फोर्स ए बी की वजह से है, इसका टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है. तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ए बी मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म. तो मुझे यह देखना है कि साइड ए बी पे जो फोर्स लग रही है उसका मोमेंट आर्म कितना है. ठीक है? और मोमेंट आर्म इज डिफाइंड एज डैश बिटवीन डैश एंड डैश. ठीक है? मोमेंट आर्म इज डिफाइंड एज डैश बिटवीन डैश एंड डैश. क्या डैश? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो पहले ये चीजें तलाश कीजिए. तो मैं इस कॉइल को रीड्रॉ करता हूं. ये आ गया कॉइल. ये कॉइल सामने से देख रहे हैं, ये थ्री डायमेंशनल कॉइल है ना. अब इस थ्री डायमेंशनल कॉइल को जब आप सामने से देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? अब क्या देख रहे हैं? अभी आप साइड ए भी देख रहे हैं, साइड ए बी देख रहे हैं या साइड बी सी देख रहे हैं या साइड सी डी देख रहे हैं या साइड ए डी देख रहे हैं? चार साइड हैं. कौन सी साइड दिख रही है आपको? यू कैन ओनली सी साइड ए डी, द फोर्थ साइड जो फ्रंट पे है. ठीक है? तो वही ड्रॉ किया मैंने. तो दैट्स व्हाट आई हैव ड्रॉन. दिस इज साइड ए डी. और ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन. और साइड ए के अंदर क्या जो दिख नहीं रहा, भी जो थ्री डी नहीं होने की वजह से दिख नहीं रहा, जो अंदर जाके क्या है? साइड ए बी जो दिख नहीं रही है. और इधर अंदर क्या है? साइड सी डी. तो ये साइड ए बी है और ये साइड सी डी है. एंड यू कैन ओनली सी द फ्रंट ऑफ दिस क्वाइल. ठीक, तो अंदर क्या है दिख रहा है आपको? खाली ये हिस्सा है, ये ए और ये डी.
और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके अंदर क्या है ए बी, और इसके अंदर क्या है सी डी, समझ आ रही है कहानी? तो आपको खाली साइड ए बी का नुक्कड़ दिख रहा है, कोना दिख रहा है, और साइड सी डी का कोना दिख रहा है खाली, ठीक। यू कैन ओनली सी द कॉर्नर ऑफ साइड ए बी एंड द कॉर्नर ऑफ साइड सी डी, एंड यू कैन सी द होल साइड ए डी, और साइड ए डी की लंबाई कितनी है, साइड ए डी की लंबाई तय करके आए थे हम शुरू में, साइड ए डी इज द लेंथ ऑफ द कॉइल, नहीं इट इज द ब्रेथ ऑफ द कॉइल, एक्सेलेंट। तो इसकी लंबाई हम तय करके आए हैं, इसकी लंबाई है स्मॉल बी, यस और नो? और खाली एक कोने से सेंटर तक कितनी होगी, एक कोने से सेंटर तक कितनी होगी, ये पूरी बी है तो सेंटर तक कितनी होगी, बी अपॉन टू, हाफ द ब्रेथ, ठीक। सेंटर ऑफ रोटेशन से कोने तक कितनी होगी, बी अपॉन टू, हाफ द ब्रेथ, ओके। तो अब इस पे वो दो चीजें ड्रॉ करनी है ताकि फिर वो निकालें, क्या दो चीजें ड्रॉ करनी है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो साइड ए बी पे जिसका नुक्कड़ दिख रहा है खाली ए, इस वाली साइड पे जो अंदर है नजर नहीं आ रही, इस साइड पे लगने वाली फोर्स है अपवर्ड, नहीं शुक्र जाग रहे हैं, इस साइड पे लगने वाली फोर्स है डाउनवर्ड, अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले, तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, और इस साइड पे लगने वाली फोर्स है सीडी पे लगने वाली फोर्स है अपवर्ड, यहां अपवर्ड फोर्स है, यहां डाउनवर्ड फोर्स है। तो पहले एक का टॉर्क निकाल लेते हैं फिर दूसरे का निकाल लेंगे। तो इस डाउनवर्ड फोर्स की लाइन बनाइए, इस डाउनवर्ड फोर्स की लाइन बनाइए, तो ये हो गई लाइन ऑफ, लाइन ऑफ क्या, एक्शन ऑफ फोर्स, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो यहां से लेके चले ये सही है, ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा, नहीं, वेरी गुड, ये तो एक्यूट एंगल हो गया, एक्सेलेंट, समझदार हो गए आप लोग। तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान बनाया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो कितना आ रहा है, वो इस पूरी ब्रेथ का हाफ आ रहा है। सो व्हाट इज द मोमेंट आर्म हियर, सो द मोमेंट आर्म हियर इज, द मोमेंट आर्म हियर इज बी अपॉन टू, सो द टॉर्क ऑफ फोर्स ए बी इज इक्वल टू द फोर्स विच इज आई एल बी, फोर्स क्या की वैल्यू निकाल चुके हम, आई एल बी इज इक्वल टू आई एल बी एंड द मोमेंट आर्म इज बी अपॉन टू, एग्री? नहीं समझ नहीं आया, दोबारा बोलते हैं, टॉर्क ड्यू टू ए बी, टॉर्क ए बी, फोर्स ए बी की वजह से कितना टॉर्क जनरेट हुआ, फोर्स ए बी की वजह से जनरेट हुआ फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, फोर्स ए बी कितनी है, आई एल बी, इस फोर्स का मोमेंट आर्म कितना हुआ, हाफ ब्रेथ, तो ये हो गया बी अपॉन टू, ये अलग बी है, ये अलग बी है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एक का बदल बी है एक स्मॉल बी है, तो टॉर्क हो गया आई एल बी बी अपॉन टू। अब दूसरी फोर्स का टॉर्क निकालिए, दैट्स टॉर्क सी डी, तो टॉर्क सी डी के लिए फोर्स कितनी होगी, सेम कितनी है, आई एल बी, और टॉर्क सी डी का मोमेंट आर्म कितना होगा, इससे पूछ लीजिए, ये हो गया इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहां से इस पे वो ड्रॉ कीजिए क्या, परपेंडिकुलर, तो वो हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया क्या, अगेन ब्रेथ का हाफ, तो ये भी हो गया इत्तफाक से बी अपॉन टू, सो द टॉर्क ए बी का मैग्नीट्यूड और टॉर्क सी डी का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है इत्तफाक से, तो टॉर्क ए बी आई एल बी बी अपॉन टू एंड टॉर्क सी डी इज इक्वल टू आई एल बी बी अपॉन टू, आर यू विद मी, यस सर, नो सर, गुड। देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टॉर्क्स विल बी
द मैग्निट्यूड ऑफ दीज टॉर्क्स विल बी क्या, इक्वेशन लिखेंगे, टॉर्क ए बी इज इक्वल टू टॉर्क सी डी इज इक्वल टू टॉर्क ए बी इज इक्वल टू टॉर्क सी डी इज इक्वल टू आई एल बी बी अपॉन टू. वेयर, अब बताना होगा बी अपॉन टू अचानक कहां से आ गया भाई. वेयर बी अपॉन टू इज द मोमेंट आर्म. बी अपॉन टू इज द मोमेंट आर्म. ठीक. तो अब एक ही कॉइल पे दो टॉर्क लग रहे हैं, एक ए बी और एक सी बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. एक ही कॉइल पे दो टॉर्क लग रहे, तो टोटल टॉर्क कैसा आएगा, सिंपली ऐड कर ले या डायरेक्शन का सोचना पड़ेगा. क्यों सिंपली ऐड क्यों नहीं कर सकते, टॉर्क इज स्केलर क्वांटिटी ना. नहीं, टॉर्क इज नॉट स्केलर क्वांटिटी. एक्सलेंट. तो टॉर्क इज नॉट स्केलर क्वांटिटी, सिंपली ऐड नहीं कर सकते, आपको पहले डायरेक्शन का सोचना पड़ेगा. तो डायरेक्शन सोचिए, एक डाउनवर्ड फोर्स है, एक अपवर्ड फोर्स है, तो दोनों टॉर्क की डायरेक्शन क्या हुई, सेम या अपोजिट. जी थोड़ा सा और जोर डालना होगा, थोड़ा किडनी पे और जोर डालिए. फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है क्या वो भी अपोजिट डायरेक्शन में है. ये है डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स ऑन वन डायरेक्शन, अपवर्ड फोर्स ऑन द अदर साइड. तो जाहिर है ये दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है. इन दो फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा, गौर फरमाइए, इस साइड पे डाउनवर्ड फोर्स है, इसकी वजह से ये कॉइल रोटेट करेगा, यहां से नीचे जाएगा. जब नीचे जाएगा इसका मतलब इज इट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. इधर से नीचे जाना है इसने, तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. यस, इट इज एंटी क्लॉकवाइज. एक्सेलेंट. तो इधर से इसके नीचे जाना है, तो दिस इज क्रिएटिंग एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. व्हाट अबाउट दिस अपवर्ड फोर्स, ये अपवर्ड फोर्स क्या क्रिएट कर रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगेन एंटी क्लॉकवाइज. एक्सेलेंट एक्सेलेंट. अगर ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड होती, अगर ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड होती, सोचिए खुदा ना खास्ता अगर ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड होती, तो फिर इनका टॉर्क कैंसिल होता, फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होती, लेकिन एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता, दूसरा क्लॉकवाइज टॉर्क होता, तो ये ना इधर जाता ना ये भी घुमा रहा है, ये उल्टा घुमा रहा है, टॉर्क कैंसिल हो जाता. लेकिन एक फोर्स अपवर्ड है और एक फोर्स डाउनवर्ड है, तो दीज फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इसको फिजिक्स की जबान में कपल कहते हैं. टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड अ कपल. एंड दीज फोर्सेस जो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी, वो जाहिरन अगर फॉरन सोचे तो लगेगा अपोजिट है, लेकिन एक्चुअली बोथ द टॉर्क्स आर इन द सेम डायरेक्शन. ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है. तो रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों टॉर्क्स को ऐड करेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों टॉर्क्स को ऐड करेंगे. लिखिए, टॉर्क ऑफ द कपल विल बी
टॉर्क ऑफ द कपल विल बी टॉर्क का फॉर्मूला इज इक्वल टू टॉर्क ए बी प्लस टॉर्क सी डी. टॉर्क ऑफ द कपल विल बी टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क ए बी प्लस टॉर्क सी डी विच इज इक्वल टू वैल्यूज प्लेस कर दीजिए. क्या आई एल बी बी अपॉन टू प्लस आई एल बी बी अपॉन टू. जी तो सेम वैल्यू दो दफा आई तो ये हो गया टू टाइम्स आई एल बी बी अपॉन टू. क्या होगा, कुछ कैंसिल हो जाएगा, टू कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा क्या, टोटल टॉर्क. टोटल टॉर्क इज इक्वल टू आई एल बी बी. टोटल टॉर्क इज इक्वल टू आई एल बी बी. और अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखना चाहूं तो मैं इस तरह लिखूंगा, टोटल टॉर्क इज इक्वल टू आई बी एल बी. कर सकते हैं. और आई बी एल बी का मुझे फायदा क्या हुआ कि ये एल और ये बी. लेंथ इंटू ब्रेथ इज कॉल्ड एरिया. तो ये हो जाएगा टोटल टॉर्क इज इक्वल टू आई बी ए. टोटल टॉर्क इज इक्वल टू आई बी ए. किस किस को जाना आई बी ए. ठीक, तो आई बी एल बी विच इज इक्वल टू आई बी ए. और ये कहां से आया ए, तो ये बताना पड़ेगा. इसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस एल इंटू बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कॉइल. इस इक्वेशन के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस एल इंटू बी is equal to A is equal to area of the coil. ठीक है जनाब. तो आज की क्लास में हमने इस कॉइल पे लगने वाला टॉर्क कैलकुलेट किया है. इस कॉइल पे लगने वाला टॉर्क है आई बी ए के बराबर. कल की क्लास में इंशाल्लाह इसी डेरिवेशन का सेकंड पार्ट करेंगे. तो अभी इसका सेकंड पार्ट बाकी है. अभी कॉइल था पैरेलल टू द फील्ड. कल की क्लास में एंगल पे आ जाएगा, थोड़ा रोटेट कर जाएगा. तो जब ये एंगल पे आ जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि इस टॉर्क में क्या तब्दीलियां आती है. ठीक है, तो ये सब जानने के लिए कल की क्लास लेना ना भूलिए. और आज जो पढ़ा है वो आज ही याद कर लीजिएगा. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.